वेलकम बैक टू माई चैनल। और आज है सैटरडे 20th ऑफ मार्च 2021। तो कल के दिन लॉकडाउन लगा था 21st को लास्ट ईयर। धीरे धीरे हम लोगों को काफ़ी टाइम हो गया है कोविड से जूझते हुए, और आज एक और जगह आपको विजिट कराते हैं। नई जगह है, अभी तक के लिए सरप्राइज है। चलिए नीचे चलते हैं और देखते हैं कहाँ जाते हैं क्या। अच्छे से होंगे और यहाँ पे मैं भी बहुत अच्छे से हूँ। और नासिक का जो फेमस है सह्याद्री फार्म्स ऑर्गेनिक का, वहाँ का एक स्टोर हमारे घर के नज़दीक में ही है और उसका मैं आपको टूर दिखाती हूँ कि वहाँ पे वो लोग कैसे अपना प्लान करते हैं, सब ऑर्गेनिक फूड और विदाउट केमिकल कैसे मैनेज करते हैं वो लोग, वो सब मैं आप लोगों को थोड़ा बताऊँगी और स्टोर का भी एक टूर दूँगी आप लोगों को। तो चलिए अंदर चलते हैं। तो ये है सह्याद्री का अपना स्टोर। यहाँ पे सब चीज़ें ऑर्गेनिक है, केमिकल फ्री है, और इनका बहुत बड़ा फार्म है नासिक में, वहाँ पे सब उगाया जाता है। सब चीज़ें ध्यान में रखते हुए केमिकल फ्री और फ्रेश वाटर, और जो सॉइल है उसको भी ये लोग एकदम फ्रेश रखते हैं। तो नासिक में इनका है ये फार्म बड़ा सा, और इनकी बहुत बड़ी रीच है। तो शुरू करते हैं एक स्टोर का टूर और आपसे आगे भी बात करते रहेंगे। इन लोगों का मानना है कि फार्मर्स को भी अपना बेनिफिट मिलना चाहिए 50% एटलीस्ट। तो इन ये आप यहाँ से जानकारी ले सकते हैं कि इसका बेनिफिट एक्चुअल में उनको मिलता है कि नहीं, ये QR कोड स्कैन करने के बाद पता चलता है। और फार्मर्स को डायरेक्टली फ़ायदा होता है यहाँ से, हम लोग जो भी चीज़ें खरीदते हैं उससे। और ये इनका एक छोटा सा बुकलेट है, देखिए ये सब फ्रेश और वेजिटेबल सप्लाई करते हैं ये लोग, ये देखिए। और ये है उनका एक फार्म नासिक का, और ग्रेप्स इनकी स्पेशलिटी है, और यूरोपियन कंट्रीज तक यहाँ से ग्रेप्स वगैरह एक्सपोर्ट किया जाता है, और वही ग्रेप्स हम भी आज आपको दिखाएंगे। देखिए ये सारे जो ग्रेप्स हैं, ये इनिया करके वैरायटी है जो कैलिफोर्निया की रहती है। अच्छा, और ये सिर्फ सह्याद्री फार्म के पास ही है इंडिया में। अच्छा, ये इंडिया करके ब्रांड है ग्रेप्स का, जो स्पेशली कैलिफोर्निया का है, और सह्याद्री वाले अपने फार्म में नासिक में इसको उगाते हैं। ये इंडिया में आपको सिर्फ इनके फार्म में ही मिलेगा। ये देखिए ये सारे फ्रूट्स हैं यहाँ पे। ये देखिए मैंगोज भी यहाँ पे सब अवेलेबल है, आ गए हैं। और हम लोगों को तो अभी मैंगो खाने मिला नहीं है, तो मैंगो की क्रेविंग होने लगी है सब बॉक्सेस देख के। ये देखिए मैंगोज यहाँ पे भी आ गए हैं, वाओ। अब ये सीज़न का पहला आम है, और वो भी नेचुरल ऑर्गेनिक। ये देखिए, और प्राइस रेंज भी यहाँ पे सब प्रोडक्ट की जो है कि बहुत ज़्यादा नहीं है, बाहर जो खरीदते हैं उससे, तो प्राइस भी अच्छा लगा मुझे सब। ये देखिए मिस्टर सिंह यहाँ से एप्पल्स ले भी रहे हैं। कैसा है एक्सपीरियंस फिर यहाँ पे आपका? यहाँ पे आना मुझे बड़ा अच्छा लगता है, एक अलग ही फीलिंग आती है। सह्याद्री फार्म्स में आना मुझे बहुत पसंद है। एक्चुअली मुझे यहाँ का जो सब्ज़ी रहती है मैं ज़्यादा करके वही लेता हूँ, और फ्रूट्स, मेरे पिताजी को फ्रूट्स पसंद है यहाँ के।
जी इनकी फैक्ट्री नासिक में है। लास्ट ईयर सर ने बोला था कि आप लोग विजिट करिए, पिछले साल मैं कर नहीं पाया था। काफ़ी बड़ा प्लांट है इनका, तो उम्मीद है जल्दी जाऊंगा वहाँ पे भी देखने के लिए कैसा बनता है। अभी यहाँ पे खुल चुका है 2 साल से, तो हम लोग काफ़ी कुछ खरीदते हैं। इनफैक्ट मेरे भाई लोग भी खरीदते हैं यहाँ पे, तो इट्स अ गुड एक्सपीरियंस। ये देखिए, ये सब इनका इन हाउस ही है, सह्याद्री का प्रोडक्ट है सब, और सब ऑर्गेनिक है। ये देखिए, ये सब दालें, ये सब चीज़, और कुछ प्रोडक्ट्स इन्होंने बाहर के भी रखे हुए हैं ताकि ये बास्केट कस्टमर का फुल हो जाए, उनको एक दो चीज़ के लिए बाहर नहीं जाना पड़े। इसलिए कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो आउटसाइडर्स हैं लेकिन अच्छे हैं, वो भी ऑर्गेनिक हैं। तो ये आकाश को बहुत पसंद है और नेचुरल है, जो बाहर का हम लोग फ्रूटी वगैरह देते हैं ना, उससे बहुत अच्छा लगता है। काफ़ी फ्लेवर्स में है इसमें, देखिए ऑरेंज है, आम पन्ना है, गुआवा है, और इधर मैंगो का भी है वाले हैं, एक गुआवा और मैंगो ये आकाश के लिए। देखिए राजमा है, राजमा में भी काफ़ी वैरायटी है यहाँ पे, चौली राजमा और ये सब, सब इनका इन हाउस है, इनके फार्म का ही है। ये राइस भी है, जैगरी है, ये काफ़ी, ये आप एक स्टोर में आ जाएंगे यहाँ पे ना, तो आपका काफ़ी कुछ डिमांड जो है ना फुलफिल हो जाएगा, क्योंकि ये सब चीज़ें ये सब ढूंढते हैं तो आसानी से जल्दी मिलती नहीं है। जैगरी पाउडर तो जल्दी मिलता ही नहीं है। नेचर प्रो का भी सारे प्रोडक्ट ऑर्गेनिक हैं और कस्टमर्स की बहुत डिमांड रहती है ये ब्रांड के लिए, तो ये प्रोडक्ट भी इन्होंने इंक्लूड किया है, क्योंकि सबको चाहिए ही रहता है, तो इन लोग ने सोचा कि क्यों ना हम ही अपने में ऐड करें, क्योंकि और कोई ऑर्गेनिक स्टोर तो है नहीं योगी धाम में हमारे घर के पास। तो इन्होंने अच्छा किया कि ये सब भी यहाँ पे इंक्लूड कर दिया, ये लेने के लिए हमको किसी और स्टोर में जाने की ज़रूरत नहीं है। और ये देखिए ऑर्गेनिक ब्राउन शुगर है, और ये बेसन है ऑर्गेनिक, और ये मल्टी ग्रेन पोहा है। वाओ, काफ़ी कुछ है यहाँ पे। और ये सब टी का सेक्शन है, जो आजकल कोविड में काढ़ा और टी बहुत ज़्यादा चाहिए ही रहता है सबको, तो काफ़ी इसमें फ्लेवर्स हैं, मैं देख रही हूँ काफ़ी वैरायटी है इसमें, आप चूज़ कर सकते हैं आपको जो पसंद है अपने हिसाब से। और ये राइस के बड़े पैकेट्स भी है, एक साथ आपको लेना है स्टोर करने के लिए तो। और ये देखिए अचार में भी काफ़ी वैरायटी है यहाँ पे। एक्चुअली ये सब सह्याद्री का नहीं है, लेकिन कुछ ब्रांड इन्होंने बाहर के भी इंक्लूड किए हैं अपने स्टोर में, क्योंकि इनके यहाँ मिल जाए और हमको मिल पाए, कहीं दूर हमको नहीं जाना पड़े लेने के लिए। मिर्ची वाला एक ले लेते हैं अचार, ट्राई करते हैं कैसा रहता है। ये जिंजर गार्लिक ये सब पेस्ट है, रेडी है ये सब जिंजर गार्लिक पेस्ट है, रेडी है। कुकिंग में आपको जो वर्किंग है उनको टाइम नहीं मिलता है, तो ये ले जाइए और एक एक चम्मच सब्जी में डालिए, बनाइए। और ये सब जूसेस, और यहाँ पे मुझे आके एक अलग चीज़ की खोज की है मैंने, उपवास वाले बिस्किट। आपने कभी सोचा है आपका फास्ट है और आप बिस्किट खा रहे हैं फास्ट में, तो यहाँ पे है जो किस चीज़ से बनाया है वो देखती हूँ मैं। हाँ, सिंगाड़े के आटे का बनाया है, सिंगाड़े के आटे का हलवा खाते हैं नॉर्मली हम लोग, और यहाँ पे डाला गया है ये सिंगाड़े के आटे का ही है, बिस्किट बनाया गया है घी में और थोड़ा जैगरी यूज़ किया गया है, तो अच्छा है, हेल्दी भी है, और मतलब अच्छा है, उपवास में भी बिस्किट खाओ अभी। और ये है यहाँ का फेमस ग्रेप्स का सेक्शन, ये देखिए ये ब्लैक वाले ग्रेप्स है, और ये रेडिश ब्राउन, और ये भी, ये ग्रीन वाले भी हैं, और काफ़ी मीठे रहते हैं ये सब, ट्राइड एंड टेस्टेड है ग्रेप्स, मैं बता रही हूँ बहुत अच्छे रहते हैं ये। बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज़ में भी ये ग्रेप्स एक्सपोर्ट किए जाते हैं, और ये ग्रेप्स की जो वैरायटी है ये इंडिया में बहुत रेयर है, तो ये यहाँ पे इसी स्टोर में हमको मिल पाती है। ये सब कुकीज़ एंड बिस्किट्स का सेक्शन है, वहाँ पे देखिए लिखा है कि 42 कंट्रीज़ में इस्टेब्लिश हो चुके हैं ये लोग ऑलरेडी, यहाँ पे देखिए लिखा भी हुआ है। और ये सब नीचे देखिए, बाहर भी इनका सब सामान जाता है, बाहर की कंट्रीज़ में भी। और ये सब इनका है कुकीज़, ये बिस्किट्स, इस सब का सेक्शन, ओट्स है इसमें, और हेल्थ कॉन्शियस है और कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं हेल्दी,
तो आप मस्ट विजिट प्लेस है ये, यहाँ पे आइए और काफ़ी सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी जो डाइट के लिए बहुत ज़रूरी है, हेल्दी भी है और थोड़ा टेस्ट पे भी ध्यान दिया गया है। देसी घी भी मिल जाता है यहाँ पे, आजकल पैकेट के घी का भरोसा नहीं है तो हम लोग तो घर पे निकाल लेते हैं, लेकिन काफ़ी लोग नहीं भी निकाल पाते हैं। बहुत अच्छा है ये जो है। शैलेश दानकर सर जी यहाँ के जो मेन सर हैं वो काफ़ी फ्रेंडली हैं अपने कस्टमर्स के साथ। अभी हम लोग को भी उन्होंने अच्छे तरीके से परमिशन दी है शूट करने के लिए, तो अच्छा लगा हमको ये। और यहाँ पे फ्रोज़न सेक्शन में आते हैं अभी। ये देखिए मैंगो पल्प वगैरह भी मिलता है, अगर आमरस खाने का मन है तो एल्फोंसो का देखिए मस्त मैंगो पल्प रेडी है यहाँ पे। और यहाँ पे पीस भी है, गुआवा पल्प भी है और यहाँ पे कुछ वेजिटेबल्स भी है जो रेडी टू कुक है। ये देखिए ये सब वेजिटेबल्स हैं रेडी टू कुक वाले, और मैंगो पल्प और गुआवा पल्प पीस भी है, छीलने का मन नहीं किया तो चलो ले लो। और ये देखिए ये सब लीफी वेजिटेबल्स भी है यहाँ पे फ्रिज में रखे हुए हैं, ये सब भी आसानी से मिल जाते हैं। नेचुरल अपना प्योर मिल्क भी मिल जाता है हमको, ये देखिए। मतलब आप एक बार आए ना तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें आपके बास्केट में यहाँ पे मिल जाएंगी। और एक पूरे स्टोर का आपको क्विक व्यू दिखाते हैं। ये फ्रूट का सेक्शन है पूरा, वेजिटेबल्स में भी काफ़ी वैरायटी है। ये मिर्ची फ्राई करना है भाई, मिर्ची फ्राई ये भी है यहाँ पे। स्वीट पोटैटो, यहाँ के टोमेटो बहुत अच्छे निकलते हैं, ये एकदम मैंने ट्राई किया है, बहुत अच्छा रहता है, एकदम पल्पी पल्पी रहता है टोमेटो। और अगर आप लोग यहाँ पे नज़दीक में रहते हैं योगी धाम में तो प्लीज़ आइए यहाँ पे। और अजय पाटिल जी यहाँ पे काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं। सयादी फार्म जो है हमारा फार्मर्स के लिए बहुत बेनिफिट प्रोवाइड कराता है उनको, और बहुत सपोर्टिव है फार्मर्स के लिए हमारे। ड्राई फ्रूट सेक्शन भी बहुत अच्छा है, ये देखिए काफ़ी वेराइटी है इधर, सब पैक किए हुए हैं प्रॉपर। आलू का अंदर तो हर जगह मिल जाता है, लेकिन यहाँ का आलू भी मीठा नहीं रहता है, अच्छा रहता है आलू। पे विज़िट करते हैं तो आपको एग्स और ब्रेड ये और ये पिज़्ज़ा बेस भी मल्टीग्रेन और वीट के ये सब आपको मिल जाएंगे आराम से। यहाँ पे देखिए गूगल पे का ऑप्शन भी है, आप लोग पेमेंट कैसे भी करिए, कार्ड और गूगल पे कैश सब चलता है यहाँ पे। वीकेंड पे यहाँ पे काफ़ी ऑफर्स रहते हैं, वेजिटेबल फ्रूट्स और सब चीज़ पे काफ़ी आपको डिस्काउंट भी मिल जाता है। एक बाहर ही बोर्ड लगा होता है तो आप स्टोर में एंट्री करने से पहले वो बोर्ड देख लीजिए कि आज का क्या ऑफ़र है, उसके हिसाब से आप अपनी शॉपिंग प्लान कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप भी इन्होंने बनाया है अपने रेगुलर कस्टमर का, और उस पर भी कुछ ऑफ़र रहते हैं तो मैसेजेस आते रहते हैं कि क्या ऑफ़र है, क्या प्राइस है। ये देखिए हमारे फार्म से निकला हुआ, पर नासिक ही चलो ना, इनका बड़ा फार्म है वही एक्सप्लोर करेंगे। एक्चुअली लास्ट ईयर सर ने बुलाया था तो हम लोग नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी पे जरूर जाएंगे एक बार नासिक में। एक बार नासिक जाएंगे और वहाँ के फार्म्स आपको दिखाएंगे क्या रहता है वहाँ पे।
बहुत बड़ा फार्म है इनका वहाँ पे ग्रेप्स की, तो बहुत खेती देखेंगे, मज़ा आएगा। यहाँ पे हमें सर भी मिले हैं जो यहाँ रेगुलर खरीदते हैं। सर कैसा फीडबैक है आपका? एकदम बढ़िया है, क्वालिटी अच्छा मिलता है, क्वालिटी अच्छा मिलता है, बढ़िया है, हम लोग कंटिन्यू देते हैं। परफेक्ट परफेक्ट। एंड वी आर बैक टू होम, अभी घर आ गए हम लोग। और आपको हमारा ये सह्याद्री फार्म का डिटेल टूर कैसा लगा ज़रूर बताना, और कमेंट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब किए बिना मत जाइए हमारे चैनल को अगर आपको हमारे वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं तो। आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।